जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, राशन पानी जोड़ रहे भारतीय जवान। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर संभावित युद्ध को तैयारी में भारत जुड़ चुका है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और गोगरा पोस्ट पर डटा हुआ है चीन। जी हाँ दोस्तों, LAC पर अटने को तैयार नहीं है, ऐसी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे फेक सोशल मीडिया फॉलोवर स्कैम में फंसे सेलिब्रिटीज से होगी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, इस समय बहुत ही ज्यादा जो है फॉलोवर्स को लेके लोगों के बीच में जी हाँ दोस्तों शंका की भावना जाग चुकी है, जिसको लेकर आप पुलिस इसकी जांच करेगी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे तीन व्यापारियों ने की आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से परेशान होकर तीन व्यापारियों ने जो है आत्महत्या कर ली, क्या वजह है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और अगली खबर में देखेंगे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, शेखावत। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के कद्दावर नेता शेखावत के खिलाफ एक और जांच की जो है मांग उठ चुकी है। 884 करोड़ की क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में मिली भगत का आरोप लगा है उनके ऊपर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो गई। जी हां दोस्तों, इसके बाद इसके प्रकोप जो है भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बात करें ताजा आंकड़ों के अनुसार तो 12,80,000 मामले अभी तक भारत में रजिस्टर किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या करीब 30,000 की पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा कोरोना का विस्फोट अगर किसी देश में हुआ है किसी राज्य में, तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर अकेले 3 लाख से ज्यादा मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या में अकेले महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। बात करें एकमात्र शहर जो मुंबई, जी हाँ दोस्तों, देश का एकमात्र शहर है जहां पर कोरोना पेशेंट्स के मामले 1 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। एक अच्छी खबर निकल के आ रही कोरोना वायरस को लेकर, कि दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई, अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है। चलते अगली खबर की तरफ जो सबसे बड़ी निकल के आ रही वैक्सीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को तैयार करने वाली 2 कंपनियां सबके सामने आ चुकी हैं, जिनका ट्रायल भी सफल हो चुका है। सबसे पहली कंपनी है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान लाई। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने भी इस वैक्सीन को जो है बना लिया है, लेकिन दोनों के देशों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि उनकी वैक्सीन उनसे ज्यादा बेहतर है। फिलहाल सभी का जो है मानना है कि पहले मार्केट में ये वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो सभी जनता को मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में जी हाँ दोस्तों आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है शेखावत के खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, एक और जांच होगी। सबसे पहली जांच आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार में, जी हाँ दोस्तों, गिराने के लिए किस प्रकार MLO की खरीद फरोख्त हो रही थी, और जिसके अंदर एक टेप जारी हुआ था राजस्थान सरकार की तरफ से, जिसमें सबसे बड़ा नाम उठ के आया था जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, विधायकों को पहले शेखावत की जो है नोटिस जारी कर चुका है। दूसरी तरफ से जयपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस से कहा कि 884 करोड़ की क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ आरोपी की जांच होनी चाहिए। इस मामले में शेखावत की पत्नी का भी नाम है। हम आपको बता दें घोटाला कैसे हुआ। सोसाइटी में राजस्थान में 211 और गुजरात में 28 शाखाओं के जरिए बड़े मुनाफे का लालच देकर करीब 1,46,991 निवेशकों से रकम जुटाई। SOGO पर जांच में पता चला कि सोसाइटी के खाते में फर्जीवाड़ा कर 55,000 लोगों को करीब 1100 करोड़ रुपए के कर्ज देकर धोखा दिया गया। संजीवनी क्रेडिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी के घोटाले में SGO ने 23 अगस्त 2019 को FRI दर्ज की थी और शेखावत का नाम चार्जशीट में नहीं था। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी शेखावत का नाम चार्जशीट में जोड़ने की अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद याचिका लगाने वाला एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट कोर्ट पहुंचा था। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में निवेशकों की शिकायतों के बाद पिछले साल घोटाले का खुलासा हुआ था। सोसाइटी के फाउंडर और MD विक्रम सिंह को SOGO ने गिरफ्तार किया था। शेखावत और विक्रम सिंह प्रॉपर्टी के बिजनेस में पार्टनर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यानी शेखावत के ऊपर इस समय शिकंजा कसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तो MLA को खरीद फरोख्त की जो है टेप का जो है उनका वायरल हुआ, उसके बाद अब ये क्रेडिट कार्ड सोसाइटी के फर्जीवाड़े में भी फंस चुके हैं। चलते अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल कर सबसे बड़ी। जी हाँ दोस्तों, 3 व्यापारियों ने की आत्महत्या। अहमदाबाद ने पिछले 3 महीने से अधिक समय से कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने गुजरात के व्यापारियों की नींद उड़ा के रख दी। बिजनेस ठप होने और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में यहां 3 व्यापारियों ने मौत को गले लगा लिया। इनमें से एक अहमदाबाद के और 2 राजकोट के हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर भारत में हर जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लोग अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे और लोगों की रोजगार जा रही है। ऐसे हालात में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। फिलहाल सरकार को जल्द ही एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए इन व्यापारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि इन छोटे मोटे उद्योग धंधे और व्यापारियों का जो है जीवन यापन चलता रहे और उनके कर्ज को लेकर भी जी हाँ दोस्तों सरकार को बहुत ही जल्द कोई ना कोई जो है समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कर्ज जो है लगातार व्यापारियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन के प्रेशर की वजह से वो अपनी दुकान खोलने में असमर्थ है। अपनी अगली सबसे बड़ी खबर, गोगरा पोस्ट पर डटा हुआ है चीन, LAC पर पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखा जा रहा है। हालांकि
कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन अब कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में चीन अभी भी बना रहना चाहता है। चीन पूर्वी लद्दाख में अड़ंगा लगा रहा है और फिंगर 4 और 5 बना रहना चाहता है। कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को संकेत दिया। हालांकि चीन की आनाकानी को भी देखने को मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन अभी भी अड़ंगा लगा रहा है। चीन पोंगैंग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा है। फिंगर 4 और 5 इलाके में चीन टिका रहना चाहता है। सैनिकों के पीछे हटने के शुरुआती कदम के बाद रिश्ते में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। दोनों सैनिक काफी कम फासले पर मौजूद है। हालांकि दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या जरूर घटी है। इस सबसे बड़े फ्लैश को फ्लाइंग पोंगैंग झील के किनारे में चीन के सैनिक फिंगर 4 और फिंगर 5 पर नहीं हट रहे। कई बार हो चुकी है बैठक। बता दें कि गलवानी घाटी में PP-14 पर भारत और चीन के बीच 15 जून को खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान 22 भारतीय सैनिक जवान जो है शहीद हुए थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार बैठक हुई, जिसमें तनाव कम करने के लिए टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने पर बातचीत हुई। जहां दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि गलवान घाटी में अभी तक हमारी सेना जो है लगी हुई है, चीन को जब तक पीछे नहीं हटा देगी तब तक वो वहीं पर डटी हुई है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लेक्चर की। जिया दोस्तों उनके भाषण में तो उन्होंने कहा था कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ देखा जा रहा है कि चीन सेना भारत के 18 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर आ चुकी है और अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी तक ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार के बयानबाजी जो है दोनों ही तरफ से यानी पक्ष और विपक्ष के बीच चलती रही, लेकिन राहुल गांधी इस बार थोड़ा सही साबित हुए। जी हां दोस्तों, चलते अपनी अगली खबर की तरफ। राशन पानी जोड़ रहे भारतीय जवान। जी हां दोस्तों, चीन को लेकर आकस्मिक जो है कभी भी युद्ध हो सकता है, जिसको लेकर भारतीय जवान पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अपनी कमर कस के उन्होंने फ्रांस से कुछ नई मिसाइलें भी जो है मंगवा ली है। साथ ही दोस्तों अपने खाने पीने की पूरी सुविधा भी जो है वहां पे बॉर्डर पे मौजूद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ पकड़ के जाते हैं। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स स्कैम में फंसे सेलिब्रिटीज से होगी पास। जी हां दोस्तों, जितने भी सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड में, उनमें अब काफी ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स 10 मिलियन 40 मिलियन 35 मिलियन के करीब है, लेकिन ये फॉलोअर्स असली नहीं है। जी हां दोस्तों, ये फॉलोअर्स एक कंपनियों के द्वारा खरीदे जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस मामले की जो है पुष्टि हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इसके अलावा बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जांच का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जोनास के साथ 10 सेलिब्रिटीज के नाम फेक फॉलोअर्स की लिस्ट में शामिल है। इन फेक फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम की भाषा में बुट्स कहा जाता है। अब मुंबई पुलिस जल्द ही तमाम सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर सकती है। आने वाले हफ्ते से पूछताछ शुरू होगी, जिसमें क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक करीब 100 से 150 लोगों को स्टेटमेंट लिया जाएगा। नंबर प्रूफ करे पुलिस इन तमाम सेलिब्रिटीज से उन्हें फॉलो कर रहे फॉलोअर्स के नंबर को प्रूफ करने के लिए कहेगी। यानी सेलिब्रिटीज को साबित करना होगा कि उनके फॉलोअर्स पूरी तरह से असली है, ना कि इन्होंने किसी कंपनी से खरीदा है। अभी तक इस मामले में 18 लोगों से पूछताछ कर ली गई है, जिनमें से लगभग सभी बॉलीवुड या टेलीविजन इंडस्ट्री आते हैं। इनमें निर्माता, निर्देशक, एक्ट्रेस के अलावा मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे लोग भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी पूरी तरह से पैसे का खेल है। ये बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, ये इनके फॉलोअर्स इतने ओरिजिनल है ही नहीं, ये पैसे देके कंपनियों से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं, जो फेक आईडी बना के इन्हें फॉलो करते हैं और इनकी संख्या मिलियंस में पहुंचा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री में फिर से एक बार निशाना साधा राहुल गांधी ने। पूरे देश का विजन दांव पर है। विपक्ष में होने के बाद प्रधानमंत्री से सवाल करना और उन पर दबाव बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि वो अपना काम करें। उनको जिम्मेदारी राष्ट्र को दृष्टिकोण भेजना होगा, लेकिन इसका साफ नजारा देखने को आता है कि चीन के साथ मौजूदा स्थिति इसी वजह से है। जी हां दोस्तों, वीडियो सीरीज में राहुल गांधी के साथ सत्य का सफर के अपने तीसरे एपिसोड में उन्होंने कहा कि सरकार ने सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरे में उन्होंने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा फोकस अपनी छवि बनाने पर है। चीन से निपटने के उपायों पर राहुल ने कहा, सीमा विवाद का समाधान करने के लिए अपने तरीका बदलना होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा, अपनी सोच बदलनी होगी, चीनियों के साथ मानसिक मजबूती से निपटना होगा। यदि आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में है, तभी उनसे वह हासिल कर पाएंगे। आपको चाहिए कि यह सचमुच किया जा सकता है, लेकिन यदि उन्होंने कमजोर पकड़ ली तो फिर गड़बड़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन सीमा विवाद पर लेकर घेर रहे हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में गलत जो है बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 इंच तक जमीन भारत की किसी के कब्जे में नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय सबसे ज्यादा रक्षाबंधन और बकरा ईद की जो है तैयारी चल रही है, यानी कि फेस्टिवल आ चुका है। और भारत में जब फेस्टिवल आता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों की भीड़ एक बार फिर से जो है देख सकते हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए रेल सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की कि रक्षाबंधन स्पेशल और बकरा ईद के लिए, जी हाँ दोस्तों, अब ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और ये स्पेशल ट्रेनें उन जगहों पर चलाई जाएंगी जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर प्रवासी लोग या फिर काम करने वाले लोग होते हैं। तमाम जगहों पे, जैसे मुंबई बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाई गई है।
बेंगलोर में बढ़ाई गई है, कोलकाता में बढ़ाई गई है, चेन्नई में बढ़ाई गई है, दिल्ली में बढ़ाई गई है, हैदराबाद में बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम जगहों पे जो है जो ट्रेनों की संख्या उसे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको जाना है विस्तार से, अपने को लिस्ट जाननी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिस्ट दे देंगे। आपके नाम के साथ अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा, ताकि हम बता सके आपको कि आपके राज्य में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन है और कितने बजे से और हफ्ते में कितने दिन चलाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।